हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन जी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि आप लोग जो भोजपुरी सुपर स्टार रितेश पांडे जी का एक एल्बम आया था याद, आप इस प्रकार से फॉन्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे और कहां से डिजाइन करेंगे। यदि आप भी ऐसे टेक्निकल से संबंधित जानकारी को निरंतर पाना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन जी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही मिलेगा घंटे का बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले इसका यूनिकोड निकालना होगा। यूनिकोड निकालने के लिए आप जो है यूनिकोड पैड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे चल के आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से यूनिकोड पैड निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स, हम अपने यूनिकोड पैड एप्लीकेशन में आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक एक वर्ड को आसानी से जो है ढूंढकर यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है ध्यान देना होगा कि हम कुछ गलत वर्ड को टाइप ना करें। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास उपलब्ध है सभी फीचर्स, तो हम यहाँ पे ध्यान देकर ही लिखेंगे फ्रेंड्स। और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है आपको। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला हमें मिल चुका है। अब हमारा जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसे जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हमें जो है कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में चलते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद हम जो है अपनी उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हम वहाँ से कॉपी किए हुए हैं। इसको जो है कुछ इस प्रकार से स्पेसिंग देने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको जो है उस फॉन्ट को ऐड कर लेना है जिस फॉन्ट को जो है आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो है फॉन्ट सेम वही लिख उठा है यहाँ पे। अब उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है सीधे चले जाएंगे स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे और स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है सिंपली यहाँ टेक्सचर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और टेक्सचर को ऐड कर देना है। जो कुछ भी गोल्डन कलर का हमारे पास टेक्सचर है तो हम उस टेक्सचर को सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्सचर पड़ा हुआ है और यहाँ पे स्केल पे हम जो है थोड़ा राइट साइड में करके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और सही के चिन्ह पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ पे 3D टेक्स्ट पे चले जाना है। 3D टेक्स्ट को इनेबल करना है और सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है इसका साइज केवल 8 से 9 ही रखना है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। नीचे जो यहाँ पे स्ट्रोक है इसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद अब आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे एंगल पे जाकर कुछ इस प्रकार से सेटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है इसे नीचे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ से करके हम यहाँ पे लाइटन और ब्राइटन भी कर सकते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है फॉन्ट एकदम रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है इम्बोस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो है इसके कुछ इस प्रकार से एंगल को घुमा देंगे और सही के चिन्ह पे क्लिक कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो फॉन्ट है बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब आप लोग भी कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस प्रकार से डिजाइनिंग कर पाएंगे और अपने लिए कुछ इस प्रकार से फॉन्ट को लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं ऐसा करता हूं कि आपको इस वीडियो में पासवर्ड मिल गया होगा। इस वीडियो में पासवर्ड मिल गया है तो आप फटाफट जाइए हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको ऑल मटेरियल्स डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।